नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू के भर्ती अस्पताल के पास स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती प्रतिमा स्थल पर आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी सहित उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर फूले की जयंती मनाई। इस मौके पर सभापति सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्श आज भी प्रासंगिक है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में जगाई गई उनकी अलग का ही परिणाम है कि आज महिलाएं शिक्षित बनकर हर वर्ग में अग्रणीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में जूझते हुए जो मुकाम हासिल किया वो हर महिला के लिए आज भी प्रेरणा पुंज है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डूंगरमल सैनी, जिला महामंत्री जयंत परिहार, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड जिलाध्यक्ष गजानंद गोड़ आदि उपस्थित रहे। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं जयंती है और फूले जी की इस जयंती के ऊपर आज सभी सर समाज के लोगों के साथ में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया है व उनको स्मृत किया गया है। महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा जो समाज के अंदर अलग जगाई गई है शिक्षा के साथ में ही कुरीतियों को खत्म करने की, वो आज हम सब के लिए एक मिसाल है और आज उन्हीं के बदौलत हम सभी लोग जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और खासकर महिलाओं के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया है उन्होंने, उन सावित्रीबाई फूले ने, उसके लिए हम सदैव उनके लिए समर्पित रहेंगे और सदैव उनका अभिनंदन ऐसे ही करते रहेंगे। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती के अवसर पर आज जिला सैनी समाज तहसील इकाई द्वारा रतनगढ़ में सर्व समाज के लिए निशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। हनुमान पार्क स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि फूले ने दलितों के उत्थान की दिशा में अभूतपूर्व काम किया था। शिक्षा की अलग जगाने के अभियान को हमारा देश सदा याद करेगा। समाज के जिलाध्यक्ष डूंगरमल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मनीष सैनी आदि ने संबोधित करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान सीकर के निजी अस्पताल के डॉक्टर राम सिंह एवं उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी तथा 148 रोगियों की आंखों की जांच कर निशुल्क परामर्श दिया। पर हमारे बीच में सबसे मंचासीन लोगों का नाम लो, उससे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले साहब के और सावित्रीबाई फूले के मैं चरणों में नमन करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों को इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि दे। मंचासीन आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डूंगर बाबा, ये हमारे दो सरदार शहर सैनी माली सेवा समाज की ओर से भी आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती शोभाराम कम्मा की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीताराम कम्मा ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर कम्मा ने रावतमल परिवार की ओर से भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं डॉक्टर मदन लाल कम्मा ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, श्यामलाल आखला, मोहनलाल तवर आदि उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम जो है वो 195 महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती का प्रोग्राम था। समाज के द्वारा नई जगह इसी में रखा हुआ है और इसका भवन का निर्माण कार्यक्रम भी आगे भी बढ़ती है जो है वो शुरू कर दी गई है। 4 मई को इसका शिलान्यास किया जाएगा। आगे जानकारी जो है वो 4 तारीख को हम आपको शिलान्यास के लाए मौके। अभी जो है हमारे पास 1,03,00,000 रुपये इकट्ठे हुए जो महात्मा ज्योतिबा संस्था का जमीन है उस पर हमने आज उनका जयंती महात्मा ज्योतिबा की मनाई है और उनसे हम लोगों अपने समाज के बंधुओं से निर्माण भवन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की अपील की गई और अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। सब हमारा मान सम्मान करके और अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमने अभी तक 1,03,00,000 की राशि इकट्ठी की है। ये समाज के भवन में जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4-5 को हमने शिलान्यास का प्रोग्राम रखा है। हमारे समाज
सभी जिले में रखी हुई है, इसी के लिए गंगा जयंती है। जमीन को पे 1 करोड़ 1 लाख और निर्माण को जो है 1 करोड़ 1 लाख से आगे भी हम लोगों ने अपील की है माध्यम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। नहीं कोई सरकार होता है सर भी ये सहयोग से काम करता है चार आदमी से रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में भी आज महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता अशोक कुमार अलड़िया अजाक ने की। इस दौरान मुख्य वक्ता फकीर चंद दानोदिया एवं वेद प्रकाश पवार ने फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार बुनकर, पुरुषोत्तम शीला, जगदीश प्रसाद भाटी आदि उपस्थित थे। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी बिजली पानी को लेकर काफी गंभीर बने हुए हैं। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में भी पानी का मुद्दा हर बार छाया रहता है। हालांकि वर्तमान में ब्लॉक की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन गर्मी को देखते हुए उक्त समस्या विकराल बन सकती है। इसका मुख्य कारण पेयजल स्रोत बंद होना है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 217 सिंगल फेज ट्यूबवेल संचालित थे, जिनमें से वर्तमान में 49 ट्यूबवेल ही रनिंग में है तथा 64 ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन कटे हुए हैं। इसके अलावा शेष ट्यूबवेल सूख चुके हैं। इस संदर्भ में SDM ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि शीघ्र ही जो बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं उन्हें दुरुस्त करके लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। इस संदर्भ में जो संबंधित विभाग के PhD और अपनी योजना के अधिकारियों से चर्चा की गई है और वांछित निर्देश दिए गए हैं कि जो वाटर रिजर्व के स्रोत हैं उनको एक बार पुनः आकलन कर लें, ताकि जो नहरबंदी वर्तमान में चल रही है उसका कितना असर है और आगामी दिनों में अगर नहरबंदी रहती है तो किस तरह से सप्लाई जो सिटी में एज वेल एज जो हमारे रूरल एरिया है उसमें निर्बाध तरीके से रहे। इस क्रम में विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित कर दिया गया है, उसकी रिपोर्ट जो है उपखंड अधिकारी महोदय को दे दी जाएगी संबंधित विभाग द्वारा। और साथ ही साथ अगर इस तरह की कोई पेयजल की अगर कमी रहती है तो विभाग के निर्देशानुसार जो अगर टैंकर की आपूर्ति भी अगर की जाती है तो वो भी निर्देश दिए गए। किसी भी स्थिति में जो है आमजन को जो है पानी की स्थिति के जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े ऐसा प्रयास किया जाएगा। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर डाइट से सभी 7 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं 2 कार्मिक उपस्थित हुए, जिनको पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ पत्रक वितरित किए गए हैं। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि 16 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के इन पत्रों को पूर्ण सावधानी एवं गोपनीयता से ध्यान रखा गया है। आज 8वीं क्लास के बोर्ड के जो पेपर हैं वो सारे लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें CBO और 2-2 व्यक्ति लेकर के आए हैं। डाइट की तरफ से व्हीकल की व्यवस्था है जो CBO ऑफिस तक जाएगी और CBO पर वहाँ संबंधित सेंटर सुप्रिंटेंडेंट आए हुए हैं तो उनको सपूर्द किए जाएंगे और फिर वो पेपर जो है थाने में और कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनमें विद्यालय स्तर पर रखवाए जाएंगे तो वो वहाँ रखवा करके और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ करवाएंगे। रतनगढ़ के शहीद स्मारक पर आज 11वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी रहा। प्रदेश के 28,000 से ज्यादा पदों पर कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा, प्रवीण महिया, सूर्य प्रकाश आदि उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय वनस्पति शास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण दल को आज प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभागाध्यक्ष डॉ. शेर मोहम्मद, डॉ. प्रशांत शर्मा व मुकेश मीणा के निर्देशन में विद्यार्थियों का यह दल देहरादून व मसूरी में स्थित शोध संस्थानों एवं वनस्पतियों के अध्ययन के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का भी अवलोकन करेंगे। डॉक्टर शेर मोहम्मद ने बताया कि 3 दिवसीय इस भ्रमण दल में पूर्वार्ध व उत्तरार्ध के 50 विद्यार्थी शामिल है। भ्रमण दल भारतीय वानिकी संस्थान का अवलोकन करेगा। यह भारतीय यानी कि शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। इस अवसर पर डॉक्टर सुमेर सिंह, आर के लाटा, डॉक्टर CL वर्मा आदि उपस्थित थे। महाविद्यालय चूरू के बॉटनी विभाग का छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण दल ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी के लिए 3 दिन के लिए यहाँ रवाना किया जा रहा है। ये शैक्षणिक भ्रमण इनका होगा। इस 3 दिन के दौरान विभिन्न वनस्पति से संबंधित जो
जानकारियाँ इनको। यहाँ साथ में जो हमारे संकाय सदस्य माननीय शेर मोहम्मद जी, प्रशांत जी, मुकेश जी जा रहे हैं, ये इनके बारे में इनको इस शैक्षणिक भ्रमण दल में बहुत सी जानकारियाँ इनको यहाँ इन बच्चों को उपलब्ध करवाई। इसमें से 39 छात्राएँ हैं और 11 छात्र हैं। देहरादून में बहुत पुराना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1906 में बना हुआ, जिसमें वनस्पति से संबंधित अनुसंधान होता है, और साथ ही वहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, जू है, और बहुत से ऐतिहासिक और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है। वहाँ पर हम बच्चों को विजिट करवाएंगे और साथ में वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन भी है, वहाँ पर जो भी औषधीय पौधे ग्रो कर रहे हैं उनके बारे में भी हम विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। 3 दिवसीय यह भ्रमण दल है जो देहरादून, मसूरी और आते हुए ऋषिकेश होने का हमारा विचार है, और निश्चित रूप से आप सबकी दुआएं हैं वो हमारे साथ रहेगी। भ्रमण दल में 50 सदस्य शामिल हैं। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में आज ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी अनुपस्थित रहे। अधिकारियों की अनुपस्थिति से खफा हुए उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की हिदायत दी। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा करते हुए SDM ने प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने विभागवार आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली पानी की माकूल व्यवस्था करने, ब्लॉक के गांवों में पेयजल स्रोत एवं वहां पर विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति करने की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। साप्ताहिक मीटिंग रखी गई, सभी लोग स्तरीय अधिकारी यहाँ आए हुए थे। ग्राम विकास अधिकारी रतनगढ़ नहीं आए, और दोनों राजेंद्र सर और रतनगढ़ के EO साहिबान यहाँ मीटिंग में नहीं पहुँचे, तो उनको पुनः इस तरह की रिपीट नहीं करें इसके लिए निर्देशित किया गया है। पानी बिजली के अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए समझाया गया है उनको कि किसी भी तरह के जहाँ जहाँ संभावना पानी की कमी की संभावना है उनकी पूरी रिपोर्ट देने के लिए, गांव वाइज प्रत्येक गांव में किस तरह की संभावनाएं हैं, पिछले साल किस तरह की कमी थी और किस तरह से वहां पर पानी पहुंचाया गया था, उनकी पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसी तरह से जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निर्देश मिले हैं कि जो युवा संबल के जो बेरोजगार लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनसे अपने को 18 से 45 वर्ष के बीच की विधवा महिलाएं हैं उनको पालनहार के लिए, और जो पेंशन जो वर्धजन नारी की मिल रही है उनको एकल नारी की सर्वे करवाना है, जिसमें उनको पेंशन की बढ़ोतरी हो सके। इसी तरह जन कल्याण की कार्य जैसे सर्विक फोरम की जांच करनी है, या आपके इम्यूनाइजेशन टीकाकरण है उसकी टीकाकरण को बढ़ावा देना है, चिरंजीवी योजना को CMHS साहब को इस तरह से सारे के सारे निर्देश दिए हैं कि वो चिरंजीवी योजना को भी काफ़ी आगे बढ़ाएं। इस तरह से हमने काफ़ी प्रयास किए हैं और आगे कर रहे हैं। 9 व 10 अप्रैल को श्रीगंगानगर में आयोजित 6ठी मिक्स मार्शल आर्ट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चूरू के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक व 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में चूरू कराटे व ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में लोकेंद्र सिंह, कबीर राज, यश जांगिड़ आदि ने स्वर्ण पदक जीते, जिस पर आज SPD आनंद ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस अवसर पर कोच अनिशा भार्गव, कोच कविंदर सिंह, अध्यक्ष मणिराम सोनी आदि मौजूद थे। बच्चे अभी राज्य स्तर में और राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो मध्य प्रदेश में होगी उसके लिए सिलेक्शन हुए हैं, उनका सम्मान किया है SP सर ने। सर वहाँ पे लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट आए थे, और अपने यहाँ पे चूरू के 13 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें अपने चूरू तहसील के 3 बच्चों के गोल्ड मेडल है जो कि नेशनल के लिए जा रहे हैं। मतलब सर श्री गंगानगर RK स्पोर्ट्स अकेडमी सर मिक्स मार्शल आर्ट स्टेट चैंपियनशिप। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे के पास आज कार व ट्रक की भिड़ंत में कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कार चालक की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जयपुर निवासी 57 वर्षीय जगदीश प्रसाद पारासर कार से लूणकरणसर जा रहा था कि संगम चौराहे के पास एक ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक को चलाते हुए साइड से उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार घूम गई। वह कार की पुनः ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण कार के दोनों ओर के दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। यह था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ।
अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।